बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? ओके, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेंटल मैथ मॉडल पेपर, और वो हम लोग आज करने वाले हैं सॉल्व। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है मेंटल मैथ समझने में, भाई क्या है ये मेंटल मैथ। तो भाई आपको कोई डाउट भी होगा तो आज हो जाएगा क्लियर। ओके, तो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेंटल मैथ्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में है यहाँ पे टेबल। तो आप लोगों को टेबल बाय हार्ड होनी ही चाहिए, 2 to 10। अभी आप छोटे हैं तो 2 to 10, फिर 15, फिर 20, हर रोज बोलना चाहिए आप लोगों को। तो चलो भाई, अभी ये है टेबल के रिलेटेड। तो अभी ए 3 into 4, 3 into 4, 3 4 जो कितने होते हैं 12, 3 4 जो 12। लिखते समय बराबर से लिखना है, गलतियां नहीं करनी है लिखने में, ओके, और जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद अभी यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन वर्ड्स। अभी राइट इन वर्ड्स में देखो भाई, यही नंबर आएगा या टेबल में आपको ऐसे ही आएगा, नॉट कंपलसरी। आपको कोई भी नंबर वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भाई जो यहाँ पर पूछा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी 12 कैसे लिखेंगे हम लोग, TWELVE 12, 149। अभी बहुत बार क्या होता है पता है बच्चों को, है ना, 14 and 41, 42 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो अभी लगे हाथों मैं आप लोगों का वो कन्फ्यूजन भी अभी दूर कर देती हूँ, अगर हम लोग का ये अभी विषय निकला ही है तो। अभी देखो, हम लोग 4 लिखते हैं, 4 FOUR 4, ओके। 14 लिखते हैं, 1 4 14, FOURTEEN, ठीक है, 14। अभी जब हम लोग 40 लिखते हैं तो FORTY आता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 40 लिखते हैं FOURTY, तो ये गलत है, कभी भी ये मत लिखना, FORTY ही आएगा, ठीक है। फिर 40 41, FORTYONE 42 43 44 45 46, तो 40 के बाद आप लोग 40 ऐसे ही लिखोगे, ये ऐसे नहीं लिखोगे स्पेलिंग। और ये लिखने में बच्चे कन्फ्यूज होके गलतियां करते हैं, तो आज वो भी मैंने आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। तो ये गलती आप लोग अभी नहीं करोगे, समझ गए ना आप लोगों को। अगर आपको कन्फ्यूजन था तो वो अभी मैंने क्लियर कर दिया है, ओके। तो अभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है आप लोगों को। अभी अभी देखो यहाँ पर दिया है 149, तो हम लोग लिखेंगे 149, ओके, 149। उसके बाद है 63, 105, ओके, देन 100, HUNDRED, 100, गॉट इट। तो इस तरह से आप लोगों को लिखने हैं वर्ड्स में, नंबर्स दिए होंगे उसे वर्ड्स में आपको लिखने हैं। खाली कन्फ्यूजन जहाँ पे होता है वो मैंने आपको भी बता दिया है। अभी जो यहाँ पर दिया है डॉजिंग नंबर्स, डॉजिंग नंबर्स में 50,
FIFTY 50, 9, NINE 9, 85, EIGHTY, FIVE 5, 77, 77, 28, TWENTY, 20, EIGHT 8, ओके तो इस तरह से आप लोगों को ये डॉजिंग नंबर्स लिखने हैं. ओके बहुत से पेरेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये डॉजिंग नंबर क्या होता है. तो डॉजिंग नंबर का मतलब होता है कि नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं सीक्वेंस में होते ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24, तो यहाँ पे क्या है मिसिंग नंबर्स है. ओके एक लाइन में नहीं है ये नंबर्स, इसीलिए उसे बोलते हैं डॉजिंग नंबर्स. ओके नाउ अभी देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम होता है नॉर्मली जो बच्चे होते हैं इसी वर्ड प्रॉब्लम में कंफ्यूज होते हैं. तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है रीड करके सवाल समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. ओके तो अभी देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ ये सारे मैंने सिखा के हो गया है. आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा. ओके ए वन पेंसिल कॉस्ट रुपीज 5, एक पेंसिल जो है उसका कीमत 5 रुपया है. ठीक है वट इज द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स, तो ऐसे 5 रुपीज वाले 3 पेंसिल लेंगे तो कितने में आएंगे मुझे, तो 5 3 15, तो इसका आएगा मल्टीप्लीकेशन 5 3 15. ओके नाउ बी वन इरेजर कॉस्ट 3 रुपीज, एक इरेजर जो है 3 रुपए का है, 3 रुपीज का है, कॉस्ट यानी कीमत रकम तो कितने का है, तो 3 रुपीज का है. ओके व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 इरेजर्स, तो एक इरेजर अगर 3 रुपीज का है तो ऐसे हम लोग 8 इरेजर लेते हैं, 8 इरेजर खोड़ रबर लेते हैं तो हमें वो कितने में आएगा, तो 3 8 24, तो वो हमें आएगा 24 रुपीज में. तो इसका भी हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 8 3 करो या 3 8 करो, इसका भी मल्टीप्लीकेशन किया हम लोगों ने. सी 10 बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री, अभी एक पेड़ है, ट्री है, ट्री के ऊपर 10 बर्ड्स बैठे हैं, पक्षी बैठे हुए है. ओके 2 बर्ड्स फ्लीव अवे, तो 10 बर्ड्स बैठे थे, पंछी बैठे थे और उसमें के 2 जो थे वो उड़ गए, तो हाउ मेनी बर्ड्स आर ऑन द ट्री नाउ, तो अभी ट्री में कितने बर्ड्स है, तो अभी 10 थे, 10 में से माइनस किए हम लोगों ने 2, तो कितने बर्ड्स बचे 8, तो अभी ट्री में कितने बर्ड्स है 8 बर्ड्स है बैठे हुए, गॉट इट. D. Sania has 15 hands and she gives 5 hands to her sister. अभी सानिया नाम की जो प्यारी सी लड़की है उसके पास 15 मुर्गियां हैं, 15 hens यानी 15 मुर्गियां है, and she gives 5 hands to her sister. तो 15 में की जो 5 मुर्गियां थी उसने अपने सिस्टर को दे दी, अपनी बहन को दे दी. How many hens does she have now? तो अभी उसके पास कितनी मुर्गियाँ बची, तो सानिया के पास थी 10 मुर्गी, सॉरी सानिया के पास थी 15 मुर्गियाँ थी, तो उसमें से उसने 5 जो थी उसकी सिस्टर को दे दी, माइनस किया हम लोगों ने, तो 15 में से 5 गए बचे 10. ओके तो अभी सानिया के पास कितनी मुर्गियां है, 10 मुर्गियां है. ओके तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मेंटल मैथ्स में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को आंसर लिखने आना चाहिए. ओके अभी देखो तुम लोगों के सारे जो कंफ्यूजन था वो तो मैंने अभी दूर कर ही दिया है ना, और मैथ्स में मैंने आप लोगों को क्या कहा इम्पॉर्टेंट क्या है, टेबल लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए बैठ के एक ही दिन में 2 to 30 टेबल रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है,
हर रोज एक बार तुम लोग टेबल बोलोगे तो अपने आप लोगों के टेबल्स जो है वो बाय हार्ट हो जाएंगे विदाउट एनी प्रेशर या स्ट्रेस के। हंसते खेलते तुम लोगों के टेबल जो है वो बाय हार्ट हो जाएंगे। ओके, तो आज से ही तुम लोग शुरू कर दोगे टेबल बोलना। ओके, और जो नंबर नेम्स होते हैं राइट इन वर्ड्स वो आप लोग को आने चाहिए अच्छे से। और ये जो 40 को वाला जो कन्फ्यूजन है तुम लोगों का 40 एंड 14 में का, वो भी मैंने दूर कर दिया है। प्लीज़ एग्जाम में ये गलती मत करना वरना आपके मार्क्स चले जाएंगे। ओके, तो चलो आई होप आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है इस वीडियो का। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए, है ना। और लाइक जरूर करना मेरे वीडियो को, फ्री है मेरा चैनल तो प्लीज़ फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को रिलेटिव्स को ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके, एंड टीचर्स प्लीज़ फॉरवर्ड माय चैनल लिंक टू योर स्टूडेंट्स ताकि आप लोगों का थोड़ा सा लोड जो है ना मैं कम कर सकूं। अगर मैं आप लोगों के हेल्प कर पाऊं तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगी। ठीक है, तो चलो देन ऑल द बेस्ट बच्चों आपको आपके एग्जाम्स के लिए, एंड बाय बाय।